हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और एक बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है इलेक्ट्रिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश से। और वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आपका जो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग का इलेक्ट्रिकल आपका है और 108 वैकेंसी है कुल। और असिस्टेंट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के लिए 7 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए आपका 5 पोस्ट है। और असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपका 1 पोस्ट है। और ये सब के लिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका कैंडिडेट शुड हैव सफिशेंट नॉलेज ऑफ हिंदी एंड देवनागरी लिपि और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ए मिक्स डिसिप्लिन डिग्री कॉम्बाइंड विथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आपका इलेक्ट्रॉनिक डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। इस तरह आपका क्वालिफिकेशन है। और कंप्यूटर साइंस में भी आपका डिग्री होना चाहिए। और आपका जो एज लिमिट है 21 से 40 साल होना चाहिए। और आपका रिजर्वेशन भी कोटा रहेगा। अगर आप जॉब करते हो तो आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपका देना होगा। और उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका जो अप्लाई करने का लास्ट डेट वो आपको जानना ज़रूरी है। आप अप्लाई कर सकते हो 14। आपका फीस देख लेते हैं। एससी के लिए आपका 700 और जनरल के लिए आपका 1000 और फिजिकल के लिए 10 रुपीज़। एंड कैंडिडेट आउटस्टैंडिंग ऑफ टेरिटरी अदर देन उत्तर प्रदेश के बाहर के जो लोग हैं वो उन्हें 1000 रुपया देना होगा। और आपका ज़्यादा जानकारी के लिए और अप्लाई करने के लिए आपका वेबसाइट है www.uppcl.org, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, आपका जो इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। ऑनलाइन सबमिशन आपका 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक आपका फॉर्म रिसीव किया जाएगा। और पेमेंट आपका 25 से 14 तक ही रिसीव किया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट आपका होगा। और लास्ट डेट आपका जो है फॉर्म भरने का वो आपका 14 तारीख अक्टूबर महीने के हैं। और आपका सीवीडी जो होगा फर्स्ट वीक ऑफ द नवंबर होगा। अगर कुछ भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप ये जो जीमेल दिया हुआ है वहाँ आप मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो hlptex149aee@gmail.com पर। और थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।